उत्तर कोरिया ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उसे एक बहुत गंभीर हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने ये बयान ऐसे समय दिया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया और उसके परमाणु कार्यक्रम के बारे में अपनी रणनीति का ऐलान करने वाले हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बाइडेन ने अपने हाल के भाषण में उत्तर कोरिया को सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताकर जता दिया है कि बाइडेन भी आने वाले वक्त में शत्रुतापूर्ण नीतियां ही अपनाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति बाइडेन ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया था। व्हाइट हाउस का कहना है कि वो उत्तर कोरिया के साथ बेहद नपातुला तरीका अपनाएगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने शुक्रवार को कहा, अमेरिकी नीतियों की समीक्षा बैठक पूरी हो गई है और राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले प्रशासन से सीख ली है, जब अमेरिका ने कोशिश की लेकिन उत्तर कोरिया के परमाणु योजना को रोकने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा, हमारी नीतियां अब तोल मोल वाले समझौतों पर केंद्रित होंगी, न कि रणनीतिक धैर्य पर। अमेरिका अब नपे तुले व्यावहारिक तरीके अपनाएगा और अपनी और अपने सहयोगियों की सुरक्षा को बढ़ाते हुए उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक रिश्तों की संभावनाएं तलाशेगा। जल्द ही अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को भी समीक्षा के लिए बुला सकता है। रविवार को उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया पर वहां के विदेश मंत्रालय का एक बयान चलाया गया, जिसमें बाइडेन के बयान को असहनीय और बड़ी गलती बताया गया। विदेश मंत्रालय के अमेरिकी मामलों के विभाग के क्वान जोंग गुन ने कहा, बाइडेन के बयान से साफ झलकता है कि वो उत्तर कोरिया के प्रति विरोधपूर्ण रवैया ही अपनाने वाले हैं, जैसा कि बीते 50 वर्षों से अमेरिका करता आया है। एक अलग बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अपने बयान में उत्तर कोरिया में मानवाधिकार की आलोचना करके अमेरिका ने किम जोंग उन की बेइज्जती की है। बाइडेन ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में कहा था कि उत्तर कोरिया और ईरान की परमाणु योजनाएं अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए कूटनीति और कड़ी निंदा का सहारा लेंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि मानवाधिकार से जुड़े किस बयान पर उत्तर कोरिया ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका उत्तर कोरिया में मानवाधिकार के लिए एक राजदूत नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो फरवरी के मध्य से ही उत्तर कोरिया से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब तक उत्तर कोरिया ने जो बाइडेन को अमेरिका का नया राष्ट्रपति नहीं माना है। जो बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किम जोंग उन को ठग कहा था, जिसके बाद जब बाइडेन की जीत हुई तो किम जोंग ने एक भाषण में अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया। किम जोंग उन ने राजधानी प्योंगयांग में सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती है, जो कुछ दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की जगह लेने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ज्यादा उन्नत परमाणु हथियारों की जरूरत पर भी जोर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने किम जोंग उन से 3 बार मुलाकात की, लेकिन परमाणु योजना और प्रतिबंध से जुड़े किसी भी समझौते पर पहुंचने में असफल रहे।